कैसा लग रहा है गाइस, थोड़ा हाय हेलो करो। धूप अभी विटामिन डी ले रहे हैं सब। मौसम ऐसा हो रहा है ना कि एक तरफ धूप दिख रही है, बारिश भी हो रही है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। गाइस ये एक्चुअली रॉक फॉल एरिया आप देख सकते हो, यहाँ से कभी भी रॉक फॉल हो सकता है क्योंकि पानी भी आ रहा है। पता नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पे, और पानी इतना ठंडा, क्या बताऊँ मैं। कैसा था एक्सपीरियंस ठंडे ठंडे पानी से? वेरी गुड। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 6:17 इन द मॉर्निंग और यहाँ चोपड़ा कैंप में है अभी फिलहाल हम, और कुछ ऐसी मॉर्निंग हो रही है। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल। अभी बस आधे ही लोग उठे हैं, आधे सो रहे हैं अभी भी टेंट में, बट मौसम बहुत ही बढ़िया है, सनी लग रहा है, तो कल के जैसे बारिश नहीं होगी तो अच्छा होगा। और वो देखिए सनराइज़ वहाँ से हो चुका है। तो आज की टाइमिंग हमारी रहेगी 6:30 बजे ब्लैक टी मिलेगी, 7:30 बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा, और 8:30 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे नेक्स्ट कैंप के लिए। तो अभी बहुत टाइम बचा हुआ है गाइस, आज की एक्सरसाइज हम पहाड़ों में करेंगे। तो अभी बज रहे हैं 7:30 और देखिए सन अभी राइज हो रहा है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। और पानी देखिए कैसे चमक रहा है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर नज़ारा यार। जैसे जैसे सूरज निकल रहा है धीरे धीरे सीनरी चेंज होते जा रही है, और सबके सब उठ गए हैं अभी। कैसा लग रहा है गाइस, थोड़ा हाय हेलो करो। धूप अभी विटामिन डी ले रहे हैं सब। जस्ट अभी अभी उगा है, पहाड़ियों के पीछे से सूरज निकल रहा है। इट्स गोइंग टू बी अ नाइस ग्रेजुअल वॉक थ्रू द वैली, और आराम से यू नो कीप नोटिसिंग फॉर डिफरेंट थिंग्स, एलिमेंट्स नोटिस कीजिए, पत्थर नोटिस कीजिए, द रिवर आल्सो गेट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। एंड आफ्टर वी क्रॉस चीका वी आर गोइंग टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ एन असेंट। असेंट के समय क्या होगा, बोल्डर सेक्शन आएंगे काफ़ी, वाटरफॉल भी आएगा, तो वहाँ पे ध्यान से रहना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पूरे ट्रेन में आप एंजॉय करते रहो, जहाँ पे ध्यान से रहना है वहाँ पे ध्यान से रहना है, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, ठीक है जी? रेडी हो चलने के लिए? यस गाइस, अभी 8:30 बज रहे हैं और सबकी तैयारी हो चुकी है, खाना पीना सब हो गया है, फ्रेश हो गया, और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट कैंप में। तो नेक्स्ट कैंप जो हमारा रहेगा वो रहेगा ज्वारा, 4.5 किलोमीटर यहाँ से, अराउंड 4 आवर्स लगेंगे। अभी सबसे पीछे चल रहा हूँ मैं, बट गाइड के पीछे नहीं चल सकते और गाइड के आगे भी नहीं जा सकते। कुछ देर पहले धूप थी पूरी, और अभी पूरी छाव हो गई है, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, बट चलते रहने से गर्मी आ रही है, इसलिए हाफ स्लीव में भी काम हो जा रहा है। ये ट्रैकर्स आते हुए नीचे से, और कुछ ट्रैकर्स ऊपर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। एज यूजुअल मैं बीच में रहने की कोशिश करता हूं ताकि मुझे शूटिंग करने का मौका मिले। अभी चलते हैं आगे सबसे, वहां से शूट करेंगे। यहां से चढ़ाई थोड़ी सी स्टीप थी, इसलिए थोड़ा सा ब्रीथलेसनेस हो रहा है, बट मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी 3.5 घंटे और चलना है। देखो बस 20 मिनट बाद ही पूरी सीनरी चेंज हो गई है, बोल्डर्स, अभी यहाँ से रिवर है क्रॉस करना है, होपफुली वो जो ब्रिज है सही सलामत हो, नहीं तो पैर पानी में उतर के जाना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट काम है। रिवर के साइड में वॉक करने वाली जो फीलिंग है वो बेस्ट है, बट रिवर को क्रॉस करना वेरी टफ। बोल्डर सेक्शन में आ गया, ये देखो सारे पत्थर ही पत्थर है, और ये बहती नदी, थोड़ा डिफिकल्ट होता है चलना, बट इसका भी अलग फन होता है। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए चलते हुए, और ऐसा नज़ारा है, हल्की हल्की से बारिश होने शुरू हो रही है, लाइक इट्स ड्रिजलिंग। मेरे ख्याल से पोंचो निकालना पड़ेगा, और ये सब मेंबर्स आते हुए। तो आगे अभी जाएंगे हम वहाँ पे, चीका बोल के एक आएगा जगह, वहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट लेंगे और उसके बाद फिर से निकल पड़ेंगे। ओके, तो ये बता रहे ट्रैक लीडर कि ये जो पानी है पूरा फैल के इस लेवल तक आ जाती है। तो ये हमारा बोल्डर सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मौसम ऐसा हो रहा है ना कि एक तरफ धूप दिख रही है,
बारिश भी हो रही है लेकिन ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो कौन सा मौसम है पता नहीं, बट मज़ा आ रहा है। ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर और रॉक्स, रिवर, सब कुछ है यार, नेचर का सब कुछ है यहाँ पे। अभी सन भी है, रेन भी है और विंड भी है। वो देखो वहाँ पे ज़बरदस्त बारिश हो रही लग रही है वहाँ पे। नहीं यहीं से चल लो, यहीं से चल लो, यहीं से निकल लो, पत्थर देख लेना, पी लेना। तो गाइस ये छोटा सा लग रहा है लेकिन यहाँ से भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है ना, क्योंकि कुछ कुछ जो स्टोन्स होते हैं वो लूज़ होते हैं और पैर आपका एकदम से स्लिप होके नीचे गिर जाता है। हवा अभी भी मस्त तेज चल रही है। ये चिका कैंप आ गया, ये कोई और एजेंसी है, द सर्चिंग सोल। 10,100 फीट पर है ये कैंप और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। हम थोड़ा और आगे जाएंगे जहाँ येलो टेंट दिख रहा है, वहाँ रेस्ट करेंगे हम। इस घोड़े को क्या हो गया भाई, ये सो रहा है या मर गया, ये देखो। या इट्स बी ब्रीदिंग भाई, चैन की सांस ले रहा है ये, अभी बेचारा काम करके थक गया है, लेट हिम स्लीप। तो आ गया हमारा चीका कैंप, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे हमें चाय, कॉफ़ी, मैगी, लोकल डिश सब अवेलेबल है इतनी ऊंचाई पर। और वहाँ देखो एक और एजेंसी के कैंप्स लगे हुए हैं और यहाँ पर भी। तो यू कैन इमेजिन कितना कॉमन है और कितना फेमस है हमता पास, बहुत सारे आते हैं लोग यहाँ पर करने के लिए। और हमारी बैच में भी ऑलमोस्ट फुल है, 24 ट्रैकर्स हैं, 24 लोग हैं। तो एक एक के पोस्ट करके डाल देना ग्रुप में, डाल दूंगा बिल्कुल, सब डाल दूंगा। तो यहाँ पे सब अभी रेस्ट कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं भाई, बोले ये 24 तो बढ़ जाएंगे बाकी का। राइट, थैंक यू थैंक यू। अभी जो प्रीवियस बैच थी तो वहाँ से एक बंदे को AMS हो गया है, तो उसको स्ट्रेचर पे लेके जा रहे थे, तो उसी के लिए हम सब यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो फिटनेस अपनी पूरी बना के आइए, विदाउट फिटनेस आएंगे तो कुछ भी हो सकता है, इट्स वेरी डेंजरस। तो मज़े के लिए, इट्स नॉट अ पिकनिक। तो एक और क्रॉसिंग यहाँ से पत्थर ओवर से, ट्रिकी सेक्शन। टेन 41 हो रहे हैं अभी, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हम वॉक कर रहे हैं, बीच में एक दो ब्रेक लिए। यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी सेक्शन फिर से आ गया, यू कैन सी द आइस, स्नो, ग्लेशियर, वाटर एवर इट इज़। अभी धूप निकली अच्छी से लेकिन हवा अभी भी बहुत ठंडी है, थोड़ी थकावट अभी होने लग गई है, हल्का हल्का सा हेडेक है, बट देखते हैं आगे जाके कैसा रहता है। तो हाई ऑल्टीट्यूड में हमेशा पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो 2 लीटर बॉटल रखना चाहिए अपने पास, मेरे पास 1 लीटर थी, मतलब 2 बॉटल है बट 1 लीटर पानी पिया मैंने अभी तक, आगे जाके और पीऊँगा। यहाँ पहुँच गए हम काफ़ी ऊँचाई पर, ये एक और झरना आ गया है बीच में, तो स्लोली स्लोली पार करेंगे इसको भी। ये देखिए यहाँ से पानी गिर रहा है ऊपर से, यहाँ से तो बिल्कुल स्टीप चढ़ाई दिख रही है। गाइस ये एक्चुअली रॉक फॉल एरिया आप देख सकते हो, यहाँ से कभी भी रॉक फॉल हो सकता है क्योंकि पानी भी आ रहा है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो गाइड ने कहा है कि स्वेटर पहन लो सब। और ये यहाँ का व्यू ऐसा है, यहाँ से पूरा पानी जा रहा है नीचे, और जहाँ से पानी जा रहा है उसके अराउंड पूरे येलो कलर के फ्लावर्स दिख रहे होंगे, देखिए। और ऊपर जाएंगे तो बड़ी सी गुफा है, ये देखिए, यहाँ तक कैमरा तो जा नहीं पा रहा है, बट सम काइंड ऑफ गुफा। ये 12:30 बज रहे हैं, इसका मतलब हमको चलते चलते 4 घंटे हो गए। गाइड तो बोल रहे 15 मिनट और है, और उससे पहले एक रिवर क्रॉस करनी है जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। और अभी मेरा शरीर भी पूरा थक गया है, लाइक शोल्डर भी
वैसे पेंट कर रहे हैं। वो देखिए पहाड़, जो स्नो दिख रहा है वहाँ पे आप देख सकते हो स्नो गिर रही है, पूरा वाइट वाइट हो रहा है वहाँ पे। सभी रिवर क्रॉसिंग करनी है इसलिए सब जूते उतार रहे हैं, अपने सॉक्स जूते दोनों उतारने पड़ेंगे। तो ये मुश्किल घड़ी आ गई है, हमने जस्ट क्रॉस किया है और 8-8 के ग्रुप में क्रॉस कर रहे हैं। पता नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पे और पानी इतना ठंडा, क्या बताऊँ मैं। बट धीरे धीरे करके आ रहे, गिर गिर के मेरी पैंट पूरी गीली हो चुकी है और ये थोड़ा सा जैकेट भी गीला हो गया क्योंकि मैं भी थोड़ा स्लिप हो गया था। कैसा था एक्सपीरियंस ठंडे ठंडे पानी से? वेरी गुड। कैसा फील हो रहा था आते वक्त? कभी लगा वेरी डिफिकल्ट? मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही चीज़ लगती है, क्रॉस करना पानी को ठंडे वाले, आइस कोल्ड। बट हाफ वे आने के बाद थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि आपके पैर पूरे जम जाते हैं, बट जो फर्स्ट हाफ होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे ख्याल आते हैं दिमाग में कि बस हो गया, मैं इसके बाद ट्रैक नहीं करूँगा या फिर मैं जा रहा हूँ यहीं से वापस, इस तरह के ख्याल आते हैं। एंड एक ट्रैकर जो वहाँ पे है उसको बहुत डर लग रहा है, तो ट्रैक लीडर उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। जान निकल गई है पूरी, लेकिन सामने टेंट दिख रहा है तो जान में जान आ रही है, वहाँ जाके रिलैक्स करना पड़ेगा। और देखो अभी तक पूरी बरसात जैसा मौसम हो रहा था, बरसात भी हो रही थी, ठंडी हो रही थी, एकदम हवा चल रही थी कोल्ड, और हमने रिवर क्रॉस की और ये देखो सूरज आ गया, गर्म हो गया है। तो मतलब भगवान कदम कदम पे परीक्षा ले रहा है, देखते हैं अभी और क्या क्या है आगे।